दोस्त, एक सेलिब्रिटी फोटोग्राफर इज एन एक्सपर्ट जो कि जानी मानी हस्तियों की फोटोज लेते हैं, सच एज रेनाउंड एंटरटेनर्स इन द फील्ड ऑफ एम्यूजमेंट, बिजनेस एक्सपर्ट्स, प्लेयर्स हो गए, ऑफिशियल लॉ मेकर्स हो गए, एंड काफ़ी प्रोमिनेंट फेसेस जो पीपल होते हैं. और ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ फोटोग्राफी के लिए रिक्वायर होता है आपको हाई क्वालिटी का स्किल एंड कई सालों का वर्किंग एक्सपीरियंस भी. मेरे से इंस्टाग्राम पे काफ़ी लोग डीएम करके ये सवाल पूछते रहते हैं, और हमारी प्रवीण भट्ट फोटोग्राफी अकेडमी में जो बच्चे आते हैं, कई बार ये स्टूडेंट्स का सवाल रहता है कि सर ये बताओ कि एक सेलिब्रिटी फोटोग्राफर पर हम लोग कैसे बन सकते हैं. सो इन दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको हेल्प करेगा एक सेलिब्रिटी फोटोग्राफर बनने में. सबसे पहले आपने कंप्लीट करना है एक प्रोफेशनल फोटोग्राफी का कोर्स. दोस्तों, एक अच्छी जगह से फोटोग्राफी कोर्स करो, बिकॉज इट विल हेल्प यू टू मेक योर बेसिक स्ट्रांग. फोटोग्राफी जो है, जितना ज्यादा आप समझ पाओगे, जितनी ज्यादा आप रेगुलर क्लासेस करोगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल करोगे, आपको जो टेक्निक्स हैं वो आनी बहुत जरूरी है. एंड दिस विल हेल्प यू टू टेक योर फोटोग्राफी टू द नेक्स्ट लेवल. अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हैं, आप डायरेक्ट यू नो अपने टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं, विच विल हेल्प यू टू ग्रो योर स्किल्स, और आपको एक फोटोग्राफी में ना एक्सपर्ट बनाएगा. एंड आई थिंक एक कोर्स करना जहां पे भी आपकी, जिस सिटी से भी आप हो, नियर बाय इंस्टीट्यूट से करना बहुत जरूरी है. और अगर आपके पास कोर्स में जाने का टाइम नहीं है तो ऑनलाइन जरूर ज्वाइन करो. और आगे टिप पे जाने से पहले, बहुत सारे लोग जो मेरे से प्रवीण भट्ट फोटोग्राफी अकेडमी के बारे में पूछते रहते हैं, एडमिशन ऑन है हमारा बेसिक से लेकर एडवांस कोर्स तक. आप मेरे साथ मेरे स्टूडियो में लाइव आके सीख सकते हो, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है आपको सारे कोर्स के अंदर. सो डिटेल्स के लिए जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, इस पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके कोर्स की डिटेल्स जान सकते हैं. दूसरा है दोस्तों, आपने एक बढ़िया पोर्टफोलियो बनाना है अपने काम का. उसके लिए चाहे आप एक बढ़िया सी वेबसाइट बनाओ जिस पे आप अपना सारा बेस्ट ऑफ द बेस्ट वर्क को डिस्प्ले करो, और एट द सेम टाइम आज की डेट में जितना सोशल मीडिया का कह रहे ना क्रेज हो रहा है, ऐसे सोशल मीडिया लोग कहते हैं अपने आप में एक आपकी एक वेबसाइट है, इसके ऊपर आप अपना रेगुलर काम करो. और एक कहते हैं ना प्रोफेशनल आपको जाना है, प्रोफेशनल आपको आगे बढ़ना है, तो एक प्रोफेशनल वेबसाइट होनी बहुत जरूरी है जिससे आपको लोग मतलब सीरियसली लेंगे. और एक पर्सनल साइट होने से ना काफ़ी ज़्यादा फायदा हो जाता है. सबसे पहले आप अपनी वेबसाइट पे खुद कंट्रोल कर सकते हो, यू कैन डिलीट और शो योर फोटोग्राफ्स. और अगर आप कुछ चाहते हो कि कल को मेरे बढ़िया बढ़िया फोटोज खींची हुए, मैं उसको सेल आउट भी करना चाहता हूँ, पैसे भी कमाना चाहता हूँ उसके थ्रू, तो वो भी आप डायरेक्ट अपने प्लेटफॉर्म से कर सकते हो. एंड कोई भी गॉड विलिंगली कल को आपको बढ़िया सेलिब्रिटी फोटोशूट मिले या कोई भी ब्रांड आपको सेलिब्रिटी के लिए पिच करेगा, वो आपसे आपकी वेबसाइट मांगते हैं, आपका काम दिखाने के लिए ज़रूर बोलते हैं. सो अगर आप भी नोट करोगे, येस मैं इंस्टाग्राम पे रेगुलरली एक्टिव हूँ, बट मैंने एक फोटोग्राफी के लिए इंस्टाग्राम पे अलग से पेज खोला हुआ है जो काफ़ी लोग नहीं भी जानते. अगर आपने वो पेज नहीं देखा, मैं उसको यहाँ डाल देता हूँ. सो मैंने वो सिर्फ और सिर्फ वर्क रिलेटेड रखा हुआ है, सिर्फ फोटोग्राफी, ना उस पर कोई रील्स आती है, ना टिप्स एंड ट्रिक्स आते हैं, सिर्फ फोटोग्राफी रिलेटेड है. एंड एट द सेम टाइम मेरी वेबसाइट पर मैं बैक टू बैक अपनी चीज़ें अपडेट करता रहता हूँ, कि जैसे अगर अभी मैंने लेटेस्ट राजस्थान रॉयल्स की टीम का शूट किया, या उससे पहले शुभमन गिल का शूट किया, तो अपनी वेबसाइट होने के एक पर्क ये रहता है कि आप अपनी मर्जी से जब चाहो होम पेज चेंज कर दिया, जब चाहे गैलरीज में फोटोज ऐड कर दी, तो वो प्रोफेशनल लुक एंड फील आपका बना रहेगा. तीसरी टिप है दोस्तों, टेक फोटोज ऑफ मॉडल्स एज यू डिजायर टू बी अ सेलिब्रिटी फोटोग्राफर. आपको बढ़िया बढ़िया मॉडल्स की क्रिएटिव फोटोज करनी बहुत जरूरी है. देखो ये बात एक रियल फैक्ट है, जब मैंने भी फोटोग्राफी शुरू की थी, ऐसा नहीं कि आज मैंने कैमरा उठाया और कल मेरे पास सेलिब्रिटीज आने लग गए थे. बहुत टाइम लगा, और उसके लिए मैं अपना काम करता रहा, मैं अपनी शूट्स करता रहा, मेहनत करता रहा, क्रिएटिव शॉट्स, क्रिएटिव शूट्स अपनी वेबसाइट पे हर जगह अपलोड करता रहा. एंड जब होता ना, किसी की जब नज़र पड़ती है या कोई ब्रांड कुछ देखता है आपको, तब आपको कॉल करता है शूट करने के लिए. बट उससे पहले आपका जो वर्क है वो होना चाहिए. और आपको सेलिब्रिटी शूट्स करने, इसका मतलब आपको पीपल में ज़्यादा एक्सपर्टीज करनी है. सो आपको जो भी टाइम मिले, आपके कोई फ्रेंड सर्कल में हैं, आपके दोस्तों के कोई दोस्त है जो गुड लुकिंग लड़के हैं लड़कियां हैं, उनके साथ आप अपने शूट करो, उनके शूट को फिर अपनी वेबसाइट पे और सोशल पेजेस पे शेयर करो. तो इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि आपने इंश्योर करना है कि क्वालिटी हमेशा हो. जस्ट डोंट टेक फोटोग्राफ्स फॉर द हेक ऑफ इट. ऑलवेज ट्राई कि आप कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करें, फोटोज जब अपलोड करें हाई क्वालिटीज हो, बिकॉज जो भी फोटोज आपकी कल को देखे वो प्रोफेशनल लगनी चाहिए. ये नहीं कि यार आज कुछ नहीं है डालने के लिए तो कुछ भी खींच के डाल देते. So you need to do a lot of research. You can search online कि भाई celebrity photography किस type के looks आजकल चल रहे हैं, कौन से actor ने किस type का look किया हुआ है, actress ने किस type का look किया हुआ है. So उससे मिलते जुलते आप shoots plan करो, different different angles के shoot करो. आप tips and tricks जो है ना आज की date में मिलते भी हैं बहुत online, उसको follow करके भी आप अपनी professional जो look book है उसको तैयार करो. Fifth tip है दोस्तों, आपने purchase करना है एक बढ़िया camera. Having a good camera is very important. If you do not have an advanced, कहते हैं ना latest technology का camera,
थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। मैं आपको अपना एक इंसिडेंट बताता हूँ कि मैंने 2005 में फोटोग्राफी शुरू की बहुत ही बेसिक कैमरा के साथ, और एक इंसिडेंट है जो मेरे को आज भी याद है। नया नया मैं फोटोग्राफर बना शुरू किया और एक ब्रांड ने मुझे अप्रोच किया, उन्होंने बोला कि हम आपको शूट के लिए लेना चाहते हैं, आप अपने गियर्स बताएं, आपके पास कौन कौन सा है, कि आपके पास निकॉन का ये वाला मॉडल नंबर कैमरा है, उस टाइम पे वो नया आया था, क्या मॉडल नंबर क्या वो छोड़ो बात, और क्या आपके पास ये 7200 वाला लेंस है, ये है। तो ये सब चीज़ें मेरे पास नहीं थी, मेरे पास बहुत ही बेसिक कैमरा था, बहुत ही बेसिक किट लेंस था, जो एज अ बिगिनर डेफिनेटली आपके पास होना चाहिए अपनी फोटोग्राफी जर्नी स्टार्ट करने के लिए, लेकिन अप टू द मार्क होना बहुत जरूरी है। मैं उस टाइम पे वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, जो नए कैमरास थे मेरे पास नहीं थे टू बी ऑनेस्ट विद यू गाइस, तो मैंने उसको रेंट पे लिया, मैंने क्लाइंट को बोल दिया था कि हाँ मेरे पास है, एंड रेंट पे तो कैमरास मिल ही जाते, तो मैंने कहा हाँ मेरे पास है, मैं करवा लूंगा, अरेंज कर लूंगा। सो व्हाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज कि ये चीज मैटर करती है कि आपको अप टू डेट होना जरूरी है। सो अगर आप फोटोग्राफी स्टार्ट कर रहे हो तो मेक श्योर कि लेटेस्ट जो भी नई चीजें आई हो आप उसी में इन्वेस्ट करें, पुराने सेकंड हैंड अवॉइड करें लेना। अगला है दोस्तों, आपने नौकरी अपने लिए ढूंढनी है बढ़िया सी, जहां पे आपकी जो स्किल्स हैं इसको बूस्ट मिले। और अगर आपको किसी, आप एक फोटोग्राफर, सेलिब्रिटी फोटोग्राफर बनना चाहते हैं, अगर आपको कहीं एक बढ़िया मीडिया हाउस में जॉब मिल जाए या किसी न्यूज चैनल पे काम मिल जाए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, बिकॉज यू विल गेट अ चांस टू शूट लॉट ऑफ प्रोमिनेंट फेसेस, सेलिब्रिटीज जो उन लोगों के पास ऑफिस में या मीडिया हाउसेज में आते हैं, इससे आपका वन ऑन वन एक रेपो भी बनेगा विद सेलिब्रिटीज, और अगर आपका काम अच्छा हो तो यू नेवर नो, वो कल को आपको और ज्यादा रिकमेंड करें, और एक काइंड ऑफ शॉर्टकट मिल जाएगा आपको इन लोगों तक डायरेक्टली पहुंचने का। ये थी सभी इंपॉर्टेंट टिप्स दोस्तों, जो मेरे हिसाब से आपको हेल्प करेगी एक सेलिब्रिटी फोटोग्राफर बनने के लिए। कैसा लगा आपको आज का वीडियो नीचे लाइक कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपका अभी भी कोई सवाल है फोटोग्राफी जर्नी, फोटोग्राफी करियर को लेके, आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए या मेरे को आप इंस्टाग्राम पे यहां पे डीएम कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, थैंक यू, बाय बाय।